नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। दिन भर महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक हरकतें करवट बदलती रही, आखिरकार एक जगह आकर आज रुक गई है। दरअसल ठाकरे परिवार और राजनीति का महाराष्ट्र की राजनीति का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन अब तक ठाकरे परिवार ने कभी विधानसभा के अंदर या महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के अंदर शिरकत नहीं की थी। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना और पार्टी चलाना ठीक समझा, लेकिन अब पहली बार उद्धव ठाकरे मंत्रालय के छठे मंजिल पर बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालेंगे। इसी ट्राइडेंट होटल में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने मिलकर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुना है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए आज की रात फिर से दिवाली लेकर आई। शिवसेना के करीब आधी सदी के इतिहास में जो नहीं हो पाया वो अब होने जा रहा है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों की साझा बैठक में उद्धव ठाकरे को गठबंधन का नेता चुन लिया गया, यानी गठबंधन की नई सरकार के सरताज उद्धव ही होंगे। होटल ट्राइडेंट से ये खबर जैसे ही बाहर आई, शिवसेना कार्यकर्ता खुशी में झूम उठे और जश्न मनाने सड़क पर उतर पड़े। शाम करीब 6 बजे होटल ट्राइडेंट में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता जुटना शुरू हो गए। नए नवेले गठबंधन की शान और इसके उज्जवल भविष्य को लेकर कई नेताओं ने कसीदे पढ़े और इसके बाद गठबंधन के नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। शिवसेना अपने पुराने साथी बीजेपी को छोड़कर सत्ता के नए हमराही तो पहले ही तलाश कर चुकी थी, लेकिन इस राह में उतार चढ़ाव और टेढ़े मेढ़े मोड़ों का ऐसा जंजाल बिछा था कि हर एक कदम मुश्किल लगने लगा था। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फतेह हासिल हुई तो सबका दिल बाग बाग हो गया। Let's start working. Okay. Starting to work. 5 साल नहीं, ये 15-20 साल चलेगा ये गठबंधन। क्या गठबंधन आगे भी बढ़ेगा देश की तरफ? आगे भी बढ़ेगा। बीजेपी को छोड़कर भी सरकार बनाने की काबिलियत हासिल कर पाने की खुशी अपनी जगह है। पहली बार सत्ता खुद संभालने की चुनौती भी अपनी जगह। उद्धव को अनुभव भले न हो, लेकिन अंदाजा बखूबी है कि दूसरों को उनकी जिम्मेदारी बताने और खुद जिम्मेदारी उठाने में कितना फर्क है, लिहाजा आने वाले दिनों के बारे में वो अभी से सतर्क हैं। उद्धव के सिर ताज सजने की तैयारी है तो उधर विधानसभा की नई तस्वीर की भी तैयारी है। राज्यपाल ने वरिष्ठ बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी है। कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। आज देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफे के बाद कल विधानसभा में बहुमत परीक्षण की जरूरत अपने आप में खत्म हो गई है। मुंबई से विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाचा की उंगली पकड़कर राजनीति में आए अजीत पवार की भी अकल उनके चाचा शरद पवार ने ठिकाने लगा दी है। चाचा की बिना सुने, उनको बिना कहे देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने वाले अजीत पवार को आज शरद पवार ने सबक सिखा दिया। उनके पास गए सारे विधायकों को अपने पास लाकर चाचा ने सिखा दिया, चाचा आखिर चाचा होते हैं। उसके साथ साथ अजीत पवार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक निशाना उन्होंने शाह और मोदी की जोड़ी को भी दिया है और कहा है कि आप भी सबक ले ही लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मराठा क्षत्रप शरद पवार का दम है। भले ही उनकी उम्र 80 साल के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आज भी शरद पवार जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
भतीजे की दगाबाजी ने शरद पवार के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ गई। शरद पवार ने भतीजे को उसकी हैसियत बता दी और ये भी बता दिया कि चाचा चाचा होता है और भतीजा भतीजा। बाईस नवंबर को एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन सरकार का फैसला हो गया, लेकिन रातों रात शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने सारा खेल ही बदल दिया। अजीत पवार विधायकों की लिस्ट लेकर देवेंद्र फडणवीस के खेमे में आ गए और 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। अजीत पवार के इस कदम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। शक की सुई शरद पवार पर भी उठने लगी थी कि कहीं उनके इशारे पर ही तो अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम नहीं उठा लिया। शरद पवार को अपनी साख बचानी थी तो भतीजे को उसकी गुस्ताखी की सजा भी देनी थी, लिहाजा शरद पवार फुल फॉर्म में आ गए। बीजेपी एनसीपी के जिन विधायकों के समर्थन का दावा कर रही थी उनमें से कई विधायकों की तो पवार ने 23 नवंबर की दोपहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेड करवा दी। क्या मुझे सदनामध्ये त्यांना बहुमत स्पष्ट करता येणार नाही, त्यासाठी आवश्यक फिगर त्यांच्याकडे नाही आणि ती एकदा स्पष्ट झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा। जहाँ जहाँ एनसीपी के विधायक थे शरद पवार ने वहाँ जाल बिछा दिया। कुछ विधायक गुड़गांव के होटल में रुके थे, शरद पवार ने उन्हें वापस बुलवा लिया। सोमवार की शाम तक 54 में से 51 विधायक शरद पवार के पास पहुँच चुके थे और उनके बागी भतीजे अजीत पवार अकेले पड़ चुके थे। सोमवार की शाम 7 बजे मुंबई के होटल हयात में शरद पवार ने अपना पावर गेम पूरे देश को दिखाया। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के 162 विधायकों की पवार ने एक साथ परेड करवा दी, शपथ भी दिलवा दी कि वो एकजुट हैं और कहीं और नहीं जाएंगे। 60 घंटे के भीतर शरद पवार ने सारी बाजी पलट दी। पवार ने बीजेपी के जुगाड़बाजों को संदेश दे दिया कि ये महाराष्ट्र है, इसे मणिपुर और गोवा समझने की भूल मत कर बैठना। चाचा ने अपनी ताकत दिखाई तो भतीजा चारों खाने चित हो गया। शरद पवार ने अजीत पवार की ताकत छीनी थी लेकिन पार्टी और दिल में गुंजाइश छोड़ रखी थी। शरद पवार की पहली और आखिरी शर्त थी कि अजीत पवार इस्तीफा दें और एनसीपी में वापस आ जाएं। चाचा के पावर गेम में अजीत पवार फंस चुके थे। एनसीपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की और समझाए भी। दोपहर बाद अजीत पवार ने चाचा के सामने सरेंडर कर दिया। डिप्टी सीएम पद से अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बीजेपी के अरमानों की रेत की दीवार ढह गई। देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने साबित कर दिया कि 100 सरकार की एक पवार की। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। जब ट्राइडेंट होटल में तीनों पार्टियों के विधायकों की बैठक हो रही थी तब तमाम पार्टी के नेता यहां पर भाषण दे रहे थे। उसी बीच छगन भुजबल ने खुले तौर पर साफ शब्दों में कहा कि अब शरद पवार को, अजीत पवार को माफ कर देना चाहिए और एक बार फिर एनसीपी में शामिल कर लेना चाहिए। इसी बीच अजीत पवार भी सिल्वर ओक शरद पवार के घर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो सुप्रिया सुले की बेटी ने उनका स्वागत किया, उनको मामा कह के बुलाया और अपने घर में ले लिया। लेकिन वहां पर अब शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार की एक बैठक चल रही है। दरअसल शरद पवार को चोट सबसे ज्यादा इसलिए पहुंची थी कि पार्टी में तो दरार पड़ेगी ही पड़ेगी लेकिन उसके साथ साथ पवार खानदान में भी दरार पड़ जाएगी और इसी के बचाने के लिए लगातार वो अजीत पवार के पीछे लगे हुए थे, उनसे बात करने की और उनको बचाने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि इसी बीच अजीत पवार मान भी गए
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अजीत पवार को एहसास हुआ कि उनकी बगावत अब रंग नहीं ला पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी ख्याल आया कि एनसीपी के साथ उन्हें जाना होगा। दरअसल एनसीपी की भी मजबूरी है। एनसीपी को पता है कि शरद पवार के बाद अजीत पवार की पार्टी में काफ़ी पकड़ है, पार्टी के कई विधायक उनको मानते हैं, और ऐसे में पार्टी को बचाना है तो अजीत पवार को भी साथ में लाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ अहम बात यह भी रहेगी कि वो पार्टी के साथ काम करें। इसके लिए पार्टी के खेमे में लाने के लिए अजीत पवार के साथ कोशिश की जा रही थी, और यही यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आ रहा है। शरद पवार के साथ साथ सुप्रिया सुले और इनके साथ अजीत पवार ने बातचीत की, उनके साथ मिले, बात की, और मामला सुलझाने की कोशिश चल रही है। दरअसल सवाल ये था कि अजीत पवार को एनसीपी की लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना गया था, तो क्या ये कानूनी पेचीदगियों में फंसना कि अजीत पवार का व्हिप चलेगा या नए चुने गए लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता यानी जयंत पाटिल का व्हिप चलेगा। इस पूरे पचड़े से बचने के लिए 3 दिन तक एनसीपी लगातार अजीत पवार को मनाती रही ताकि उसके वजह से फ्लोर टेस्ट से बचा जा सके। आखिरकार अजीत पवार को ये सबक मिल गई कि उनके पास अब कोई विधायक नहीं बचे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को एनसीपी के पास सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी साफ हो गई कि अब फ्लोर टेस्ट इस वक्त नहीं होगी। दादा तुम्हें राजीनामा देना आज कंप्लीट सांगा। मी अजित अनंतराव पवार गांधीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की सिर्फ 3.5 दिनों के अंदर अजीत पवार ने फडणवीस के डिप्टी होने का भारी भरकम ताज सिर से उतार दिया। राज्यपाल को इस्तीफा भेज पासा ही पलट दिया। इन 2.5 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदली। एनसीपी चीफ शरद पवार का राजनीतिक कद बढ़ा। कैसे हुआ ये? अजीत पवार कैसे मान गए? फ्लोर टेस्ट से पहले क्यों इस्तीफा दिया? सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल शरद पवार राजनीति की बिसात में दोहरी चाल चल रहे थे। उनकी कोशिश थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरफ विधायकों को टूट से बचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को मनाने की रणनीति। तारीख 23 नवंबर दोपहर 1 बजे अजीत पवार को मनाने की पहली कोशिश। शरद पवार ने विधायकों को तलब किया, वहीं छगन भुजबल को अजीत पवार के पास भेज दिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। पार्टी में लौटने का संदेश दिया गया। तारीख 23 नवंबर शाम 5 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक। भतीजे की बगावत से निपटते बुजुर्ग मराठा ने शाम को तमाम विधायकों की बैठक बुलाई। एक एक विधायक को शरद पवार ने खुद फोन किया। सवाल यही था, क्या विधायक बैठक में आएंगे? पार्टी में असमंजस थी, नेताओं में घबराहट थी, लेकिन तय वक्त पर विधायक पहुंचने लगे। अंधेरा होते होते दावा किया गया कि 54 में से 49 विधायक उनके साथ हैं। अजीत पवार को विधायक दल के नेता से हटा दिया गया। यहां से सभी विधायकों को बस के जरिए एक होटल ले जाया गया। तारीख 23 नवंबर रात 8 बजे अजीत पवार का घर। एनसीपी विधायकों की शरद पवार के साथ बैठक के बीच अजीत पवार की एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक के हाथ लगी। अजीत पवार अपने घर की बालकनी में फोन पर लगातार बात करते देखे गए। शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार पहली बार दिखे थे। तारीख 24 नवंबर अजीत पवार को मनाने की दूसरी कोशिश। 24 नवंबर को दिन भर परिवार के लोगों ने अजीत पवार से संपर्क साधा, उन्हें पार्टी में वापस आने को कहा गया। तारीख 25 नवंबर सुबह 9 बजे अजीत पवार को मनाने की तीसरी कोशिश। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अजीत पवार के घर जाकर मुलाकात की, करीब 1 घंटे तक उन्हें समझाया। तारीख 25 नवंबर सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधानसभा। रविवार सुबह दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार दिखे। साथ में थे सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस। पूर्व सीएम वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद तय तो यही हुआ था कि फडणवीस के साथ वो भी कुर्सी संभालेंगे, लेकिन अजीत पवार दफ्तर जाने की जगह विधानसभा में ही ठहर गए। तारीख 25 नवंबर सुबह 11 बजे अजीत पवार को मनाने की चौथी कोशिश। महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार एनसीपी ने अजीत पवार से संपर्क साधा। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल ने उनसे मुलाकात की।
चार घंटे तक तीनों वरिष्ठ नेता अजीत पवार को समझाते रहे। पार्टी में लौटने का मान मनोवल चलता रहा। तारीख 26 नवंबर दोपहर 12 बजे अजीत पवार को मनाने की पांचवी कोशिश। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही हालात बदल गए। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील टटकरे और छगन भुजबल ने अजीत पवार को अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। यानी हमने उनसे बात की, हम लगातार पिछले चार पांच दिनों से उनसे बात कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कि भाई देखिए सरकार बननी चाहिए थी, वो तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी बात को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुछ समय में वो हमारे को फिर संपर्क करके अपना फैसला सुनाएंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में शरद पवार से भी अजीत पवार की बात कराई गई। इसके बाद अजीत पवार सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए और बता दिया कि उनके साथ विधायक नहीं है, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। शरद पवार ने अपनी पार्टी को बचा लिया, भतीजा भी सम्मान के साथ वापस लौट आया है। बुजुर्ग मराठा नेता ने अपनी सूझबूझ और ताकत का प्रदर्शन कर महाराष्ट्र की राजनीति में धाक जमा लिया है। अजीत पवार के बारे में शरद पवार ने दो तरह की स्ट्रैटेजी रखी थी। सबसे पहले बतौर एक राजनेता शरद पवार ने अपने सारे विधायकों को एक साथ रखा और पार्टी को आगे टूटने से बचाया। दूसरी तरफ बतौर चाचा शरद पवार ने अजीत पवार पर चर्चा के दरवाजे बंद नहीं किए, अपने दूतों को अजीत पवार के पास भेजकर लगातार उनसे वो चर्चा कर रहे थे। इसका असर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देखने को मिला और अजीत पवार ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी मैदान छोड़ देना पड़ा। हालांकि मैदान छोड़ते वक्त उन्होंने अपने पुराने साथी शिवसेना पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने वादा खिलाफी की है और वादा तोड़ा है। कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता।